गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं केदार महरे की बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम फिट हूं, अपने काम में व्यस्त हूं, आप सभी के लिए ब्लॉग बना रहा हूं डेली। और आज है 15 अगस्त 2021 और सुबह के 8 बजे हैं, तो इस समय मैं अपने ऑफिस में हूँ और अपने गाँव की तरफ निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ है, तो इस पावन बेला पर मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अपने देश के प्रति हमेशा प्रेम भाव रखेंगे और अपने देश का गौरव हमेशा बढ़ाएंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे जाना है पहले अपने गांव के प्राइमरी विद्यालय में, जहां पे झंडारोहण किया जाएगा और उसके बाद गांव के लोगों के साथ एक छोटी सी सामान्य सी एक बैठक का आयोजन करना है। हमें अपने विभाग से एक रोस्टर जारी किया गया है, जो वो मिला है और उसमें लिखा गया है कि 15 अगस्त के दिन सभी ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में एक सामान्य बैठक का आयोजन करेंगे और विभिन्न विषय पर जो है गाँव वालों के साथ चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं हूँ अपने धर्मगढ़ में, अपने ऑफिस में ही, आप देख सकते हैं ये रहा मेरा ऑफिस। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और आप सभी को लेकर चलता हूँ अपने गांव की तरफ और आप सभी को दिखाता हूँ कि आज मेरे गांव में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैसा माहौल है, लोगों में कैसा उत्साह है, कैसे हमारे गाँव के बीच में जो विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय वास्ती, तो वहाँ पर कैसे झंडारोहण किया जाता है, तो वो सब कुछ मैं दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं और बने रहिए आप ब्लॉग में। तो दोस्तों देखिए, बाहर का माहौल कुछ इस टाइप का है धर्मगढ़ में, अभी एकदम सुनसानी है। सामने है धर्मगढ़ की मार्केट और ये रही पूरी मार्केट, आप देख सकते हैं। देखो सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी लगी हुई है जिसमें शायद कुछ बाजार का माल आया होगा, ये उतर रहा है। और बंदरों का आतंक देख सकते हैं आप यहाँ पर। और मैं आपको अपने रॉकी से मिलाता हूँ। देखो ये है रॉकी, यहाँ पर बैठा है। गुड मॉर्निंग रॉकी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखो इसका यहीं पे अड्डा है, ये मेरे ऑफिस के बाहर में यहाँ पे बैठे रहता है। और इसने एक डंडा भी रखा है अपने पास, जब बंदर आते हैं तो ये डंडा पकड़ता है और इस डंडे से मारता है बंदरों को। लोहे की स्टिक है देखो ये, और यहाँ पे इसके लिए एक डोंगा रखा गया है जिसमें हम लोग इसको पानी वगैरह देते हैं। तो ये देखो ये हो गया, अब एक्साइटेड इसको लग रहा है कि मुझे कहीं ले जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैं कहीं नहीं ले जाऊँगा, मैं अकेले ही आज अपने गाँव जाऊँगा। तो यहीं पर रहेगा और बंदरों को भगाएगा, ठीक है। चल बाय 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 बाय। तो ये देख सकते हैं, ये है प्राइमरी विद्यालय वास्ती और यहाँ पर देखिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरस्वती माता की तस्वीर लगी हुई है और दीप प्रज्वलन भी हो चुका है यहाँ पर, देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए हमारे वार्ड सदस्य सुंदर सिंह जी यहाँ पे लिख रहे हैं 75वां स्वतंत्रता दिवस। ये देखिए बाकी, और लगा दिया सबको टीका, ये टीका लगाने वाला है। देखो मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमको हुआ है सूतक, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। दिन के करीब 11 बजे हैं और इस समय मैं बास्ती गांव के प्राइमरी विद्यालय में ही हूं। यहां पर देख सकते हैं मेरे गांव के बहुत सारे युवा साथी यहां पर हैं। दरअसल आज हमने अपने गांव बास्ती का युवक मंगल दल का गठन किया है, जिसमें हमारे गांव से मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये है हेमंत सिंह,
तो इसको जो है युवक मंगल दल का अध्यक्ष चुना गया है सर्वसहमति से। और उसके अलावा गांव के जो अन्य युवा हैं, जैसे सुंदर सिंह हमारे वार्ड सदस्य हैं, तो उनको जो है सचिव चुना गया है। एक हेमंत सिंह और हैं, उनको उप सचिव चुना गया है। एक भगवान सिंह हैं हमारे बड़े भाई, उनको कोषाध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानपति श्रीमान देवेंद्र सिंह जी हैं, ये संरक्षक चुने गए हैं। और एक उपाध्यक्ष भी हैं। उपाध्यक्ष कौन बने? कमल सिंह। कमल है हमारे गाँव का एक युवा, तो उसको उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पे झंडारोहण भी किया गया है। ये है प्राइमरी विद्यालय। तो बहुत सारे हमारे गाँव के बहुत सारे नौजवान युवा साथी यहाँ पर हैं, देखिए सारे के सारे। तो सभी का सहयोग रहा, सभी ने यहाँ पे नवयुवक मंगल दल को गठन करने में अपना सहयोग दिया। और जो पूर्व अध्यक्ष थे गणेश सिंह, जो अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य भी हैं, तो उन्होंने भी हेमंत सिंह को अपना समर्थन दिया है। और मैं काफ़ी खुश हूँ आज यहाँ पे आके हमारे गाँव के युवाओं ने जो युवक मंगल दल बनाया, उससे कहीं ना कहीं हमारे गाँव में आने वाले समय में बहुत अच्छे कार्य किए जाएंगे। और गाँव के हित के लिए, समाज के हित के लिए विभिन्न प्रकार के रचनात्मक और सामाजिक कार्यों को इनके द्वारा किया जाएगा। सकते हैं यहाँ पे एक नंगा बच्चा बैठा है। ये देखो, इसने यहाँ पे तकिए से अपने पैरों को ढक लिया। ये देखो इसको। सो गाइस, अभी शाम के करीब 7 बजे हैं और अभी मैं अपने घर वापस आया हूँ। जैसा कि आपने देखा कि आज मैं सुबह पहले अपने गांव गया, अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में जाके मैंने झंडारोहण वहाँ पे किया सभी लोगों के साथ मिलके। उसके बाद फिर हमने अपने गांव के युवक मंगल दल का गठन किया। और उसके बाद मैं 1 बजे के आसपास आ गया था अपने घर वापस। उसके बाद मुझे जाना पड़ा कांडा किसी ज़रूरी काम के लिए। फिर शाम को करीब 6 बजे के आसपास मैं घर पहुँचा। फिर मैं अपने डॉग को घुमाने गया, जहाँ की मैंने छोटी सी क्लिप आपको दिखाई, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ भी ब्लॉग आज नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। मुझे पता है आज का ब्लॉग उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन जो भी था आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा इस चैनल में तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप मेरी हर वीडियो देख पाएंगे। बाकी दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मेरे वीडियोज़ को देखते हो, लाइक शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाते हो, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं मेरी मजबूरी। फिर भी मैं डेली का एक ब्लॉग आप सभी के लिए डालता हूँ, आप सभी से मैं बातचीत करता हूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ, मैं आप सभी के हर कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट को मैं लाइक करता हूँ, हर कमेंट को मैं जो है अपने फैमिली के, अपनी वाइफ को भी, अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ, देखो किसने क्या लिखा है, किसने क्या लिखा है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने में। बाकी कभी आपसे मुलाकात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, और अगर आप कभी भी आना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, आप धर्मगढ़ आइए, मुझसे मिलिए और मेरी फैमिली से मिलिए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मेला पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोग अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, अपने देशभक्ति को आप हमेशा अपने जो है मन के अंदर, अपने दिल के अंदर बनाए रखें। और जब तक हम लोग अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अपने राष्ट्र को, अपने देश को आगे बढ़ाने में आप सभी का साथ दें, और अपने जीवन का कुछ अमूल्य समय अपने देश के लिए ज़रूर दें। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी लोग ऐसे हमारे वीडियोस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।